से आए हैं? नमस्कार जी, गांव पाटन। क्या समस्या थी जिसको लेकर आप श्री गोविंद धाम पहुंचे? मेरे जी 72 ढाल की बीमारी थी शरीर में। 72 तरह की? 72 तरह की बीमारी थी जी। एक तो मेरा घर और एक हॉस्पिटल, दो ही घर थे मेरे। अच्छा। घर आ गया अगले दिन हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में दो दिन, अगले दिन घर आ गया जी। तो फिर भाई तक किसी ने बताया कि इसने गोविंद धाम वहाँ ले जो, इसका वहाँ रास्ता मिलेगा जी। ऐसा महसूस हुआ इस गेट के अंदर भी पड़े जनों, कुछ शांति मिली, बैठे रहे, तपया गए, दुखी होया गए, किस टाइम नंबर पड़ेगा। लेट आए, पहली बार आए थे, पता नहीं था पहले जाना है, नाम लिखेंगे किस तरीका का होगा, तुम्हारा नाम लेट लिखा है, लेट हम आए। हमने कहा भाई बीमार है, तो बोले भाई नाम जिस टाइम है उस टाइम लिखा जाएगा, उसी टाइम मिलवा आ जाएगा। तो इतना हमारे को चाय मिली, खाना मिला, कम से कम 1015 आदमी डेली आवा है, उनको चाय खाना फ्री मिला है। जो अपंग है, हैंडीकैप है, किसी तरह का बीमार मजदूर है, इतने बढ़िया यहाँ सेवादार हैं, सबको बैठ गाड़ी लेकर उसमें बैठा के ले आऊँ, सबकी मदद, सबकी मदद करें, बोचना हो, तंग हो, चाह पानी दे रहे उसको मदद करें, अपनी श्रेणी में गाड़ी में बैठा के उसकी गाड़ी में बैठा का गुरु जी ऐसे बोल लो, भाड़ा किराया नहीं है, गुरु जी बोल रहे भाई हम तेरे को तेरे घर पहुँचाएंगे किसी तरीके से पहुँचाएंगे, ये गुरु जी का शान है दुनिया पर। तो जी मैंने बता दी मेरा तेजाब गैस कब्जी बने, डॉक्टर ने कह दिया पैनक्रिया खराब है, खाना पचाने वाली चीज है ना, ऑपरेशन होना ना बदली जाती जी, इसका घर आज लटाओ, कोई इलाज नहीं। तो मैंने गुरु जी लगा दी न्यू कहे मैं घर लटाओ, थोड़े दिन निकले बच्चे छोटे छोटे हैं। तो गुरु जी ने कहा हम आपको नाम देंगे, भगवान का भजन कर, अगला काम मान। गुरु जी ने अपनी योग शक्ति से एक डब्बी मेरी जेब में आग दी, एक मेरी गाड़ी में आग दी, एक डब्बी रसोई में आग दी, दो इतनी दवाई नहीं उखा तक लेट हो गया, मर जीवा तेजाब बने थे ना जब, तो इसलिए पहाड़िया मैं छाती पैर दे आटा तो ज़्यादा बुरा होगा, तो बैठ के गोली रगड़ पीस कब जल्दी काम करेगी, गोली लेनी पड़ेगी। तो जी तेजाब गई, गैस गई, पैनक्रिया गई, सारी बीमारी दूर जा गए, और एकदम मिलने वर्गा हुआ। अब ताजी ताजी पै जो एक महीना पहले सूर होगी, पिंडिया में दर्द, पिंडिया में दर्द काम ज्यादा था, तो भाई काम करे तो दर्द हो रहा है। तो जी जमा लाचार हो गया, बच्चे बोल रहे तू चेक करवा कर दवाई नहीं लेना घर भर के, फैलिक पल्स दे दो, फैलिक पल्स दे दो। हॉस्पिटल ले गए, 550 शुगर पाई मेरा, बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा होगी जी। पूरे हरियाणा में करनाल में एक हॉस्पिटल है भारतीय शुगर का, तो उन्होंने टिक्के दे दिए, पेट में टिक्के लगा, अरे टिक्के 25 साल में मैं क्या मैं तू भी टिक्के दे। तो जी मैं टिक्के लिया, दवाई लिया, महा भाई भाई तो बताया तेरा महा भाई मैं तो सूख 550 भाई पीड़ मारे, और पीड़ उठती रही बोच दो बोच तो बाद भी भाई भी भतीजा भी लगाई भी बोच बोच पूरे परिवार को लगाए रखते लगाए रखो। तो भाई बोले चल तड़की गुरु जी आंदोलन, मैं बोलिया भाई गुरु जी आ लो 15 दिन पाते चल लेंगे, दवाई खा ले आराम हो ले, पीड़ मारे बोले चल पेट काटी मैं, मैंने टैग एड लिया पूरा पीड़ना को लगे मेरी शुगर साफ, मिट्टी साफ पियो लिया रसगुल्ले बिल्कुल शुगर साफ है, कागज ले रहे थे ना शुगर के भी, यही ताज़ा ताज़ा काम जो इस गेट के भीतर रह गया, जो गुरु जी आगे शाम आ गया, नहीं सोचो उसने भगवान ने लिया। तो ऐसा क्या है कि गुरु जी के सामने पहुंचते ही आपकी बीमारी ठीक हो जाती है, वो उसी कैसी शक्ति है? ऐसी शक्ति में गुरु जी आप न्यू बताते हैं, अब हमारी ठीक को नहीं होती, चकड़ी जाए और ठीक के नहीं होती, जो गुरु जी ने न्यू कह दिया अब हमारी ठीक होगी, वह नहीं सोचते हम तो बह नहीं लिख पाते ठीक हो शुरू चुक लाड़ा जी पंजाब में मत लिख लिया करें न्यू बीमारी शरीर लिखने की शुरू हो जाए। तो गुरु जी आप पता नहीं के शक्ति है के योग बल है, जिस काम की आ करती सुरख दिखा रहे, जिसका बाग खुल है उस दाम पाव है, और गुरु जी आगे दर्शन हो, दर्शन हो जाए जी सारे कष्ट दूर हो गए, गुरु जी के दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हाँ जी दर्शन दे दर्शन होंगे अधे, और गुरु जी नाम पर ले लियो काम हो जाएगा, ये तेरी बीमारी कट जाएगी। तो भगवान का भजन क्या है भाई, भजन कर, भजन ना करेगा ना नाम दे दे ना योग शक्ति दिखा दे ना भक्ति दिखा दे, फिर कुछ कोई नहीं, यानी कि हरी भजन नहीं करोगे तो आपका कोई काम, कोई काम नहीं होगा। गुरु जी का हरी भजन करो चाहे अपने घर बैठा कर ले, पूरे मेरे लग बिता हुआ है कर सारे काम होंगे, हरी भजन करो। तो जी हम भी एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा सवा घंटा डेली पूरे फैमिली हरी भजन कर रहा, तो ये कोई चीज़ ही नहीं, अरे लोग फल लेकर आवे थे
मिठाई लेकर आओगे, गुरु जी हम सबको रोकते, कोई फल लेकर नहीं आऊंगा, कोई मिठाई लेकर नहीं आऊंगा, कोई पीछा लेकर नहीं आऊंगा, श्रद्धा लेकर आऊंगा, श्रद्धा लेकर आओ, जो श्रद्धा आता हुआ है उसका काम बने। यानी कि श्रद्धा भाव और हरी भजन से आप लोगों का सब काम हो रहा है। हरी भजन तक श्रद्धा भाव का काम हुआ जी। गुरु जी जिस तक आशीर्वाद दे हैं घर लग निजान दाद भी नहीं महसूस हो है, ओहो आत्मा ने शांति मिले, आत्मा ने शांति मिले। तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? संदेश दो जी, जिसका भाव सिद्ध हो गोविंद धाम में टो लो और गुरु जी ने टो लो और गुरु जी के शरण में पड़ जाओ, सिद्ध सिद्ध हो जाएंगे। परमात्मा का ऐसा नाम देव है ताकि थोड़े दिन में परमात्मा का निम्न ध्यान दूर जापोए, जो परमात्मा हमारे भीतर बैठे, गुरु जी हमारे भीतर बैठे जी, सब दूर कष्ट दूर हो जाए। हमारे को तो पूरी फैमिली को कोई ऐसी नहीं रही चीज कि हम इस चीज की सर दम लेके चले, चीज मैं कर लिया, कोई डिमांड नहीं रही। गुरु जी जाना अडमास पूरी कर दी सारी चीज कर, बुझे बुझे रहा करते तो खिले खिले रहने लगे, मौज है आपके घर में, मौज मौज होगी जी। कोई सब परिवार में आठ जी हम, कोई सा नहीं निकलता, अब यह दिक्कत है या समस्या। एक मोटरसाइकिल दे दी, चार मोटरसाइकिल खड़ी, तीन गाड़ी खड़ी, मेरा भी होता नहीं साइकिल का भी। गुरु जी ने इसी मेहर फेरी, सोचते रहे मेहनत करिए हमने, गुरु जी ने कहा मेहनत करो आगे बढ़ो, मेहनत करते रहे बढ़ते रहे, आज ठिकाना ही कोई नहीं जाएगा, मौजे मौज होगी। यानी कि हरी भजन के साथ मेहनत भी आप अपने कार्य के लिए करो तो आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ कोई नहीं रोक सकता, गुरु जी भी नहीं रोकते। गुरु जी जो है घर बैठ कर जितना हरी भजन करोगे नहीं उतने पार जाओगे, भजन करा जी उस जितना गुरु जी ने कहा उसके आगे फेंक दी, दौड़ पूरी लगा दी। गुरु जी ने कहा दौड़ लगाओ उस दरा पे चलो, गुरु जी ने दरा बताए थी, इमाम बिजाट बैठे थे दरा पकड़े छोटी आप जी, ढाई ढाई घंटे लगे भजन पे, खिल गए जी सारा फूल है खिल गए परिवार, मौज मैं चाहूँ जी सारा देश ऐसा आवे और भगवान भजन करे, हाँ सफल बनावे और अपने सगे प्यारे सब ने लेकर आवे, जिसका भला हो जाए उसका भला हमने भी करना चाहिए, हमने बताना चाहिए कि वहाँ पहुँचो, वहाँ गुरु जी ऐसा आशीर्वाद दे हैं, ऐसा नाम दान दे हैं, मौज मौज जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।